हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हरमेश कुमार, मैं कुरुक्षेत्र बालवा गांव से बिलोंग करता हूं और जो प्लस टू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन ग्राम सलाडवा में है, जो कि हम यहां पे एक सीनियर एडवाइजर के पद पर काम करते हैं। और दोस्तों, हमारी जो संस्था के अंदर हम जैसे मान लीजिए कॉफी बनाने का एक काम चलाया हुआ है, जिसके अंदर हम गरीब से गरीब परिवारों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो एक गरीब परिवारों को दिखाने देने देने में असमर्थ होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सुमन बहन जी का हार्दिक अभिनंदन और तालियों के साथ स्वागत करूंगा, जिन्होंने ये जिले के अब दूसरी बात मैं शुरू करूंगा। हमारे यहाँ पे सीनियर एडवाइजर बहन सुमन जी और बहन कुसुमलता जी, नीरू बहन जी, महेंद्र कौर जी और हमारे सीनियर एडवाइजर मनजीत सिंह इंद्री से और सुमन बहन जी हैं। आप दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उसके बारे में जरा गौर से सुनना। ये कॉपी है, इस कॉपी से पहले आपको पता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं दान तो करता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भंडारे होते हैं, वहां भी दान करते हैं। जिस बाप ने बेटी की शादी करती है वो 5 मिनट घर में आती है तो 500 का नोट एक 5 मिनट के लिए अपनी बेटी को देगा, नहीं देगा। 2500 रुपए का बेटी सूट मांगती है तब भी माँ बाप उसको खुशी खुशी देता है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घूमने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहां भी दुनिया भर का दान करते हैं, लेकिन क्या हमें तत्काल कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है? नहीं। प्लस टू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से नियम और नीति चलाई गई है कि यदि कोई संस्था में 1100 रुपए दान करता है तो उसके परिवार में उस कॉपी उसके नाम एक कॉपी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रीन कॉपी और उसको बोलते हैं बेरोजगार कॉपी, जो रोजगार देती है। इसके साथ हमें क्या है कि रोजगार के अलावा 29 प्रकार की सुविधाएं हैं, तो जो हम बिना काम के भी ले सकते हैं। अब जैसे नंबर एक की बात करूंगा, कोई बहन ने जिसने भी काफी बनवाई है, उसका बेटा है बेटी है गांव से 10 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर जाता है और उसके पास साइकिल नहीं है, लेकिन यदि वो साइकिल बहन अपने बच्चे के लिए लेना चाहती है तो सस्ता के अंदर 2350 रुपए की फाइन लगती है, जिससे कि 4 से 5 हजार के बीच का साइकिल उस बच्चे को दिया जाता है। अगली बात करेंगे, कोई बहन है जिसकी बेटी जवान हो चुकी है, शादी करना चाहती है, घर में 1-1 रुपए के लाले पड़े हैं मगर उसके लिए शादी का करना बहुत जरूरी है, तो उसमें संस्था क्या करती है कि संस्था को हमारी 31 मार्च की हर साल शादी करती है, उसमें हमें क्या करना होता है, फरवरी की फर्स्ट में 21,000 की जो हम फाइन लगाएंगे उसमें संस्था 2 लाख का सामान, 5 गहने और हिंदुस्तान के रस्मों रिवाज के मुताबिक बेटी को शादी करके विदागिरी करती है, जिसमें 11 मेहमान लड़के वालों की तरफ से और 11 मेहमान लड़की वालों की तरफ से इनवाइट किए जाते हैं। अगली बात करेंगे दोस्तों, यदि कोई बहन चाहती है कि मेरी बेटी सेंटर में जाती है या मैं अपने घर में मशीन रखना चाहती हूँ या मैं अपने किसी रिश्तेदार को दान करना चाहती हूँ, यदि दोस्तों मशीन लेना चाहती है, हाथ वाली सिलाई मशीन बाजार से कम 4500 रुपए की पड़ती है दोस्तों, लेकिन हमारी संस्था की तरफ से आपको 1750 रुपए की फाइन लगाने पर वो 4500 रुपए की मशीन आपके घर भेज की जाती है। उसे आगे बात करेंगे, कोई बहन विधवा है, उसके 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो संस्था अपनी तरफ से उस बहन को विधवा पेंशन देती है, उसके बच्चों को अनाथ पेंशन देती है और उसमें यदि उस बहन के बच्चे नर्सरी से पढ़ने के लायक हैं तो संस्था के अंदर यदि वो बहन जी बोलते हैं कि मेरे को 400 रुपए की जरूरत नहीं है सर, मैं अपने बच्चों की जिंदगी बनाना चाहती हूँ, तो पहली से लेकर 12वीं तक का संस्था अपने ही लेवल पे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराती है और पहली से लेकर 10वीं तक 12वीं तक उसका सारा खर्चा संस्था देती है। और दोस्तों, आप मैं बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि बहने बोलते हैं कि भैया हमें लड़की की शादी तो